नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे जी मौजूद हैं। और हाल ही में केदार पांडे की एक शर्त को सरकार ने माना है, एक मांग को सरकार ने माना है, सेवा शर्त को मंजूरी दी है, उस पर बातचीत करेंगे। और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। एक मांग तो सरकार ने आपकी मानी कि नियोजित शिक्षकों को लेकर जो सेवा शर्त है उसको मंजूरी दे दी, जीत तो हो गई आपकी। सबसे पहले तो मैं सिटी पोस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। ये सच है कि शिक्षकों ने फरवरी में लंबी हड़ताल की थी और सरकार ने ये वादा किया था 4 मई को कि जब सामान्य स्थिति होगी कोरोना से तो शिक्षकों की मांगों पर विचार करेगी। और सरकार ने वार्ता किया और वार्ता करने के बाद सरकार ने कदम बढ़ाया है। कमेटी सेवा शर्त बनाने के लिए पुनर्गठित हुई और उसकी कल एक बैठक भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही अब शिक्षकों की जो चिर प्रतीक्षित सेवा शर्त नियमावली लंबित थी वो अधिसूचित की जाएगी और शिक्षकों को अपने भविष्य का एक खाका दिखाई पड़ेगा। कई दूसरी मांग भी आपने सरकार से की है या करने जा रहे हैं जो हमारे पास जानकारी है, और कुछ ऐसी मांग है जो अब तक शायद किसी भी शिक्षक संगठन या दूसरे संगठनों ने नहीं की है। आप पुरुषों के लिए 15 दिनों का पितृत्व अवकाश की मांग करने जा रहे हैं और जो मातृत्व अवकाश मिलता है 135 दिन के बदले उसको 180 दिन करने की मांग है, उसको लेकर जरा सा बताएं। हाँ, सेवा शर्त नियमावली में जो मुख्य उसके बिंदु हैं उनमें जो पहला बिंदु है वो है सेवा निरंतरता का। ये हम लोगों ने रखा था। सेवा निरंतरता का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई शिक्षक हाई स्कूल में योगदान किया और बाद में प्लस टू में चला गया या हाई स्कूल में ही दूसरी जगह चला गया तो दोनों सेवाओं को जोड़ा जाएगा, उसको पे प्रोटेक्शन का और वरीयता का लाभ देय होगा। दूसरी बात थी कि बिहार में अभी 9000 के करीब हाई स्कूल हो गए हैं जिनमें प्रधानाध्यापक नहीं हैं, तो एक मुद्दा ये भी है उसमें कि ये नियोजित शिक्षक जो अर्हता प्राप्त करते हैं रखते हैं उनको प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति की जाए। तीसरी बात ये थी कि हमारी यहाँ जो नियोजित महिला शिक्षिका हैं उनको 135 दिन भी मातृका अवकाश मिलता है जबकि पुराने लोगों को 180 दिन मिलता है, तो ये समानता कायम की जाएगी। और पुरुषों को 15 दिन पितृत्व अवकाश मिलता है तो नियोजित शिक्षकों को भी 15 दिन पितृत्व अवकाश मिलेगा। और नियोजित शिक्षकों को अर्जित अवकाश और क्षतिपूरक अवकाश पहले से नहीं मिल रहा है और इस बार हम लोगों ने ये मांग की है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है, इसके भी देने के संकेत हैं कि उनको अर्जित अवकाश और क्षतिपूरक अवकाश भी दिया जाए। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि बहुत दिनों से बाहर के ज़िले के लोग दूसरे दूसरे ज़िलों में पदस्थापित हैं और महिलाएं भारी संख्या में नियुक्त हुई हैं सरकार के द्वारा, बाद में उनकी शादी हो गई है तो अपने परिवार के साथ नहीं जा पाती हैं, तो ऐसे में उनके लिए एक ऐच्छिक स्थानांतरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बड़े कष्ट में लोग हैं तो इसको भी इस नियमावली में प्रावधान करने की बात हो रही है। हम लोगों ने मांग की थी, इसको भी सरकार ने स्वीकार किया है, तो मैं समझता हूँ। और EPF की सुविधा शिक्षकों को, चूँकि अब पेंशन और उपादान तो मिलते नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों को घर जाते समय कोई चीज़ मिलती नहीं है, ये सारी चीज़ें सेवा शर्त नियमावली के हिस्से के रूप में आ रही है। मैं समझता हूँ कि एक भविष्य का खाका और वित्तीय उन्नयन भी 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष के बाद प्रमोशन जो शिक्षकों को मिलने वाला, ये सारी चीज़ें सेवा शर्त नियमावली के माध्यम से सामने आ रही हैं और इनके आने के बाद शिक्षकों के सामने भविष्य की एक रूपरेखा सामने आ जाएगी कि उनका भविष्य कैसे आगे की ओर बढ़ेगा। और उनमें जो असंतोष का भाव विद्यमान था
वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आगे और लड़ाइयाँ जैसे जैसे भरोसा है कि सरकार ये इन मांगों को मान लेगी। हाँ, जब सरकार ने शुरू किया है, कमेटी गठित किया है और उसकी बैठक कर रही है, तो ऐसा विश्वास करने का कारण बन रहा है कि सरकार सकारात्मक दिशा में जा रही है। और चूंकि ये सरकार का वादा है, ये 15 का वादा है और फिर इधर का भी वादा है, तो अभी भरोसा तो करना ही पड़ेगा सरकार। एक आखिरी सवाल है, बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं और बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं और जो शिक्षक संगठन है वो आंदोलित रहे हैं, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर कई दूसरी मांगें रही हैं, आपकी आपका जो संगठन है उसकी अलग मांग है। अगर चूंकि ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और शिक्षा बड़ा जरूरी मुद्दा रहा है, हाल के दिनों में देखा गया है उपेंद्र कुशवाहा आंदोलन करते रहे हैं और नियोजित शिक्षक ये कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में हम सरकार की राह मुश्किल करेंगे, सत्ताधारी पार्टियों की राह मुश्किल करेंगे, अगर हम जो शिक्षकों के आंदोलन है उसको चुनाव से जोड़ कर देखें या जो शिक्षकों की समस्या है उसको बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखें तो आप क्या देख पाते हैं, कितनी मुश्किल होगी सरकार की राह, शिक्षक कितनी मुश्किल कर पाएंगे सरकार की राह? मैं समझता हूं कि सरकार शिक्षकों की मांगों को समझ रही है, शिक्षकों ने उन मांगों को हासिल करने के लिए लंबी हड़तालें की और वित्तीय मामला भी एक बहुत ही प्रमुख मामला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार ने वादा किया था कि हम 20% वेतनमान में शिक्षकों की बढ़ोतरी कर सकते हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं और जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार की कोशिश होती है कि सभी वर्गों के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं और अपेक्षाएं हैं उस दिशा में काम किया जाए। तो मेरा भरोसा है या मैं विश्वास करता हूं कि सरकार शिक्षकों की मांगों पर, वित्तीय मांगों पर भी विचार करेगी और शिक्षकों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी ताकि विधानसभा चुनावों में सरकार को भी सहजता का अनुभव हो सके। तो शिक्षकों की मांग मानेगी। हमारे साथ हम बातचीत कर रहे थे माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे जी से और साफ तौर पर इन्होंने जो बताया है वो आपने देखा है। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, केदारनाथ पांडे जी की बात अच्छी लगे खूब शेयर कीजिए इस इंटरव्यू को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट, वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।